वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। ये वीडियो आपको रेलवे लोको पायलट के कट ऑफ से रिलेटेड है और CBT2 एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए आपको 2 दिन का समय सिर्फ बाकी है, जिसमें आप बोर्ड प्रेफरेंस और अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसमें कट ऑफ की बात मैं वैसे नहीं करूँगा कि 40 कट ऑफ चला जाएगा, 45 कट ऑफ चला जाएगा, या 60 जाएगा, या 80 जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। रेलवे लोको पायलट की भर्ती के लिए CBT1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ठीक उससे पहले कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कट ऑफ को लेकर आप लोगों के मन में जो चिंता है, क्या कट ऑफ जाएगी, क्या मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या सभी लोग CBT2 का एग्ज़ाम देंगे क्योंकि फॉर्म सबसे भरवाया जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इसमें ज़्यादा डिटेल में। कोई भी ऐसी बात मैं नहीं कहूँगा जिससे आपको लगेगा कि 80 कट ऑफ जाएगी, 70 कट ऑफ जाएगी, 75 कट ऑफ जाएगी, बहुत लोगों ने कहा है। मैं वैसा कुछ भी नहीं कहूंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। और सिर्फ 2 दिन का समय आपके पास बाकी है बोर्ड प्रेफरेंस चेंज करने का, या फिर आपने अगर बोर्ड प्रेफरेंस नहीं भरी है तो वो आपको भरने का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो टोटल कैंडिडेट अपियर्ड हुए थे CBTT में, आप सभी लोग को पता है कि CBT1 में जो है 28 लाख कैंडिडेट लगभग अपियर हुए थे। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से कुछ एबसेंट हो गए थे, तो जो टोटल 28 लाख कैंडिडेट अपियर्ड हुए, आपको एक ये भी पता होगा कि RRB की तरफ से एक न्यूज़ जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि सिर्फ 27% क्वालिफाइड किए हैं कैंडिडेट जो हैं, वो टोटल 27% ही जो क्वालिफाइड किए हैं। क्वालिफाइड मार्क्स आपको पता है क्वालिफिकेशन का मार्क्स कितना था, मिनिमम जो क्वालिफाइड मार्क्स, मिनिमम जो मार्क्स उन्होंने रखा था कि इतना नंबर आप लाएंगे तभी आप पास करेंगे, वो था जनरल कैंडिडेट के लिए 40%। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर जनरल की बात करता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि SC ST और OBC में क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता। 40% कट ऑफ रखा गया था, तो मान लीजिए 75 मार्क्स का जो पेपर हुआ उसमें 40% कितना मार्क्स बनता है, 30 मार्क्स बनता है। 30 मार्क्स जिन कैंडिडेट को आया है वही क्वालिफाई किए हैं, और जिनको नहीं आएगा वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये तो क्लियर बात है। लेकिन आप यही सोचिए कि 30 या 30 से ऊपर मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट सिर्फ 27% हैं, रेलवे के ऑफिशियल न्यूज़ के मुताबिक, जो उन्होंने अखबार में, एक हिंदुस्तान में और बाकी जगह पर भी बताया, तो RRB के न्यूज़ के मुताबिक 27% लोग जो हैं वो क्वालिफाइड हुए हैं। अब बात करते हैं कि जो सीट है, लगभग मान लीजिए 60,000 सीट है, सीट तो बढ़ा दी गई है। अब कहा गया था कि इसका 15 गुना जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 15 गुना के हिसाब से ये 9 लाख कैंडिडेट बनते हैं। अब 9 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, अब मैं आपको डेटा, मैं फैक्चुअल फैक्ट बात कर रहा हूँ। 28 लाख कैंडिडेट का 27% के हिसाब से आप निकाल लीजिए, जो 27% है 28 लाख कैंडिडेट का कितना होगा, ये लगभग आपके पास आ जाएगा 7,56,000। यानी 7,56,000 कैंडिडेट ही हैं जो क्वालिफाइड किए हैं। ठीक है, CBT का रिजल्ट, ऑलमोस्ट CBT1 का रिजल्ट जो है वो, जब तक CBT1 के बारे में, क्योंकि ये कंप्यूटर पे टेस्ट हुआ था, रिजल्ट बनाना इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आंसर कीज़ में कुछ गड़बड़ियाँ थी, फिर भी 30% मार्क्स के अकॉर्डिंग जो CBT1 का रिजल्ट था वो सिस्टम जनरेटेड होगा, और वो ऑटोमेटिक रेलवे को पता है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए। तो उन्होंने 27% बताया, 27% तब बताया जब आंसर कीज़ में गड़बड़ियाँ थी, और उसको थोड़ा सा सुधारने के बाद दोबारा आपसे आंसर की के बारे में आपसे जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर मांगा गया था। ठीक है, तो मैं उस डेटा को 30% मान लेता हूँ। ठीक है, 3% लोग और क्वालिफाई कर जाएंगे, कुछ और मार्क्स बढ़ जाएगा, तो मैं उसको 30% मान लेता हूँ। 30% मानने के बाद भी, ठीक है, 30% मान लीजिएगा तो आपको का वो डेटा मान लीजिए कि वो 8 लाख कैंडिडेट हो जाएंगे। ठीक है, 8,10,000 होंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ मान लीजिए 8,50,000 होंगे, या ऑलमोस्ट 9 लाख हो जाएंगे। तो जितने कैंडिडेट को उनको बुलाना है वो कितने हो जाएंगे, लगभग 9 लाख कैंडिडेट जो है अपियर होंगे CBT2 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर कट ऑफ का तो कोई सीन ही नहीं बन रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या होगी, तो आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मिनिमम मार्क्स था 30 नंबर लाना जनरल वालों के लिए, यही होने वाला है, क्योंकि इतने परसेंट ही क्वालिफाइड हुए हैं। आप सभी ने डेटा देख लिया, जान लिया आप उसके बारे में, तो OBC और SC ST के बारे में क्या ख्याल है आपका? जब जानते हैं कि आपको OBC SC ST के बारे में जो डेटा है उसमें जो जनरल की कट ऑफ होती है उससे 5 से 7 मार्क्स का फ़र्क होता है OBC में, SC ST में
जो है वो 10 से 12 मार्क्स का फ़र्क पड़ता है कट ऑफ में। तो मेरे समझ से जो CBT 1 है ऑलमोस्ट जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उन सभी को मौका मिलेगा। अब रही बात कि फॉर्म क्यों भराए गए आप लोगों से, CBT 2 के लिए आप सबसे इसलिए फॉर्म भराया गया क्योंकि अगर फॉर्म रिजल्ट आने के बाद भराया जाता तो आपको जो परीक्षा होगी उसमें देरी हो जाती, क्योंकि क्वालिफाइड कैंडिडेट मान लीजिए कि 9 लाख हैं और अभी जो फॉर्म भरा होगा अभी मान लीजिए कि 28 लाख अपियर हुए थे, 28 लाख में से ये 28 लाख कैंडिडेट ने तो फॉर्म नहीं भरा होगा CBT 2 के लिए, प्रेफरेंस नहीं दी होगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 20-25 लाख लोगों ने तो फॉर्म भर ही दिया होगा। तो 25 लाख लोगों को एग्ज़ाम कराना दोबारा से ये पॉसिबल नहीं है, उनको यहीं पर कटिंग करनी है तो वो कट करके वही करेंगे। आपसे फॉर्म भरवा लिया गया है क्योंकि इसके चार्ज नहीं लगे हैं, तो रेलवे अपना प्रोसेस करवा चुका है कि आप अपना फॉर्म भर के हमारा प्रोसेस आसान कर दीजिए, और बाद में क्या करेगा वो 9 लाख कैंडिडेट को ही वो अपियर कराएगा। ठीक है, तो 9 लाख कैंडिडेट जो अपियर कराएंगे ऑलमोस्ट मेरे समझ से सीट खाली ही रह जाएगी अपियरिंग कैंडिडेट जो होंगे CBT 2 के लिए, क्योंकि जो डेटा बता रहा है 27% क्वालिफाइड उसमें 28 लाख कैंडिडेट जो अपियर हुए हैं उसके हिसाब से वो सीट खाली ही रह जाएगी, उतने लोग अपियर भी नहीं हो पाएंगे। अब 9 लाख में से कुछ कैंडिडेट हैं जो अपियर नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन्हीं में से उनको फिर छांट के जो है वो 60,000 जो वैकेंसी है लगभग उसको फिल करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।